आप देख सकते हैं जो है मीटर पर जो है MIL लाइट जो है कंटिन्यू जल रही है। तो इसका जलने का रीजन क्या है मैं वो भी दिखा देता हूँ। गाड़ी का जो RPM वगैरह है वो सारा जा रहा है। तभी जो है फॉल्ट कोड को हम देखेंगे, जो फॉल्ट कोड आ रहा है HFM सेंसर को लेके आ रहा है। तो आज हम जो HFM सेंसर जो है वो चेक करेंगे। HFM सेंसर का जो कपलर निकाल के जो वोल्टेज चेक किया गया उसमें समथिंग जो है 5 वोल्ट के आसपास आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, सेंसर को चेंज कर देंगे। तो इस तरीके से जो है जो हम सेंसर को चेक करके जो है चेंज करेंगे, और उसके बाद जो है कोड को डिलीट मारेंगे। डिलीट मारने के बाद दोबारा से एक बार चेक करेंगे कि फॉल्ट कोड हमारा आया या डिलीट हुआ, और क्या है क्या नहीं वो सारी चीज़ें हम चेक करेंगे। तो हमारा जो फॉल्ट कोड है वो डिलीट हो चुका है। तो आई होप कि हमारी जो गाड़ी है वो सही हो चुकी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।